दिल्ली में मंथन का दौर लगातार जारी है, उम्मीदवारों के नामों पर लगातार चर्चा हो रही है और आज फिर से सीईसी की बैठक होगी। बैठक में तमाम नामों पर चर्चा की जाएगी। 11:30 पर प्रहलाद जोशी के आवास पर बैठक होगी और बीजेपी में बची हुई 76 सीटों के ऊपर चर्चा की जाएगी। राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज होने जा रही है, इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक होगी। तो आपको बता दें, कल 1 नवंबर को बीजेपी की सीईसी की बैठक होगी और उसके बाद लिस्ट जारी हो सकती है। तो सबसे पहले राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास पर 11:30 पर ये चर्चा होगी, ये बैठक होगी, अहम बैठक है। ये लगातार बैठकों के दौर जारी है, मंथन किया जा रहा है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उससे पहले कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो राजस्थान के रण में सही है, कौन से ऐसे, और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राजीव, 11:30 पर एक अहम बैठक होने जा रही है, जो शेष नाम बचे उन्हें लेकर के गहन चिंतन और मंथन हो रहा है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की आज महत्वपूर्ण बैठक है दिल्ली में और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के घर पर थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होगी। और आज जो बैठक होगी, इस बैठक को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि राजस्थान बीजेपी की तरफ से अभी तक 124 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं, 76 उम्मीदवारों के नाम बचे हुए हैं। उन नामों को लेकर के यहाँ पे चर्चा की जाएगी कि किसे कहाँ से चुनावी मैदान में उतारना ठीक रहेगा। हालांकि एक दौर की बैठक हो चुकी है जयपुर में और आज जो बैठक हो रही है, इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आज देखिए जेपी नड्डा, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, उनके साथ भी राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है। उसके ठीक पहले जो बैठक होगी, यहाँ पे सारे होमवर्क पूरे कर लिए जाएंगे और जो जानकारी मिलेगी, 5:00 जेपी नड्डा के साथ राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। उस बैठक में वो सभी नामों को चिन्हित कर लिया जाएगा जिन्हें सीईसी में लेकर के जाना है। प्रधानमंत्री सीईसी की बैठक में मौजूद रहेंगे और आखिरी मोहर सीसी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगती है। भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द जो है नामों का ऐलान कर दिया जाए क्योंकि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऐसे में समय रहते अगर नामों का ऐलान कर दिया जाता है तो जो उम्मीदवार हैं उनका नाम जो है घोषित हो जाएगा। तो अपने समय से नामांकन करेंगे, लोगों से मिलेंगे, क्षेत्र में जाएंगे, चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। इन तमाम महत्वपूर्ण चीजों को लेकर बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। तो माना जा रहा है कि जल्द ही जो है बचे हुए नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल राजीव, तमाम दावेदार हैं वो भी अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं कि कब लिस्ट सामने आएगी। कई ऐसे नाम होंगे जिनके ऊपर शायद सहमति नहीं बन पाई है, इसलिए लगातार बैठकें हो रही है, मंथन हो रहा है। ऐसे कौन से नाम है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो बार बार ये बैठक हो रही है और नामों पर मंथन हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तीसरी लिस्ट में तमाम महत्वपूर्ण सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार चुनाव हार गई थी और वहां पे कांग्रेस के विधायक हैं, वहां पे टिकट के बीजेपी से कई दावेदार हैं और टिकट एक ही आदमी को दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं, उनका मानना है टिकट उसी को दिया जाएगा जो पार्टी को जीत दिला सके। और ऐसे में टिकट अगर कटता है तो नाम जिनको टिकट नहीं मिल पाएगा उनकी नाराजगी हो सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली और दूसरी लिस्ट जारी की उसके बाद बगावत का सुर देखने को मिला था। हालांकि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी ने एक कमेटी की भी गठन किया है। तो माना जा रहा है कि जब यह लिस्ट आएगी तो कुछ लोगों की नाराजगी देखने को मिलेगी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, नेता हैं, उनका यह कहना है कि टिकट उसी को मिलता है जो पार्टी को जीत दिला सके और टिकट के कई दावेदार होते हैं। तो ये नाराजगी तो देखने को मिलेगी लेकिन समय रहते उनको मना लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद है बीजेपी के रणनीतिकारों को। लेकिन बगावत इस बार नहीं होने दिया जाएगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी की है। जी राजीव, बात कर लेते हैं इस कोर ग्रुप की बैठक की जो 11:30 पर शुरू होने जा रही है, क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर के? बस थोड़ी देर में जो है बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह, सब प्रभारी विजया राहटकर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, ये लोग पहुंचने वाले हैं। देखिए, इसमें मैं प्रहलाद जोशी के घर पे मौजूद हूं और बैठक को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। थोड़ी जो जानकारी मिले कि थोड़ी देर बाद ये लोग पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद जो है बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक में जो है तमाम वो नाम जिनको घोषित नहीं किया गया है उसके नामों पर एक बार और मंथन किया जाएगा और फाइनल लिस्ट बनाने के बाद फिर शाम को जो है जेपी नड्डा के साथ एक दौर की बैठक होगी, जो जानकारी मिल रही है। जी बिल, इसके बाद सीईसी की बैठक होनी है। तो पूरी रणनीति के तहत बीजेपी भी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, पूरी स्क्रूटिनी की जा रही है। उसके अलावा जो नाराज प्रत्याशी है उनको भी साधने के ऊपर चर्चा की जा सकती है।
बिल्कुल देखिए, जो मजबूत नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनको टिकट नहीं मिल पाया है, तो उनको भी जो है भारतीय जनता पार्टी अपने समीकरण के हिसाब से बैठा रही है। और जहां तक देखिए राजपूत समाज को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों जो है दो बड़े राजपूत नेताओं को, जिसमें टिकट भी दिया गया विश्वराज सिंह मेवाड़ को, इन लोगों को शामिल कराया गया था। और भारतीय जनता पार्टी हर संभव चुनाव जीतने के लिए तैयारी में लगी हुई है। यही वजह है कि पार्टी का सीधे तौर पर मानना है कि टिकट उसी को ही दिया जाएगा जो चुनाव जीत सके, चाहे वो तत्काल पार्टी ज्वाइन किया हुआ आदमी हो या पुराना पार्टी का कार्यकर्ता नेता हो। इस फार्मूले के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही है। बहुत से ऐसे पुराने नेता हैं जो चुनाव लड़ने की मनसा बना रखे थे 5 साल, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पा रहा है, तो उनको भी उनकी नाराजगी दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने रणनीति के हिसाब से काम कर रही है। उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि सरकार में आने के बाद उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, समाज सेवा के लिए तमाम ऐसे काम है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि वह कई मतलब बैकफुट पर नहीं जाएंगे, उनको भी मेन स्ट्रीम में रखा जाएगा। इसके लिए बीजेपी ने कमेटी का गठन भी किया है। लगातार दो लिस्ट जारी होने के बाद जो हालात बने थे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो सांचौर की बात कीजिए या चित्तौड़गढ़ की बात कीजिए, यहाँ तक राजीव, और देखने वाली बात ये होगी कि कौन से ऐसे नाम है जिन पर मोहर लग पाती है। आप इस पर नजर बनाए रखिए, फिर जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल